एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है मेरा। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। अभी चाय वगैरह पी ली है और क्लीनिंग कर दी है मैंने। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। हरलिन को भी मैंने नहला दिया था और बस चाय पी ली थी वैसे। और बस अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मूली के पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए आलू के ना सॉरी मूली के पराठे। आ जाइए आप लोग भी सभी। और तो वीडियो में बने रहना एंड तक, ठीक है? अभी मैं तैयारी कर रही हूँ आलू ना सॉरी आलू के पराठे बार बार निकल रहा हूँ मुझसे। मूली के पराठों के, ठीक है? तो ये देखिए, मैंने मतलब वो कर लिए थे कद्दूकस, और इधर आटा ये मैंने अभी वो कराया है थोड़ी देर पहले ही। तो अभी मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। आ जाइए आप लोग भी, खा लीजिए। हरलिन को मैंने उधर भेज दिया, वो मुझे परेशान कर रही थी, मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे, आप लोग आ जाइए खा लीजिए, ठीक है? तो अभी मैं पराठे बनाने के लिए ना, मैंने ये सरसों का तेल लिया ही घर के, ये मतलब जो सरसों हमने वो करी थी ना, तो इसका तेल निकलवा लिया था। और इसके पता है इतने अच्छे उसके नहीं लगते हैं, मतलब और काहे की भी ले लो, लेकिन जो घर की चीज़ होती है उसके बहुत ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं पराठे। और ये घर का ही तेल है, और मतलब जो दुकान से आता है उसमें तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता ना, उसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स करके दे देते हैं। तो इसके ना बहुत अच्छे बनते हैं पराठे जो घर की। देखो घर की तो कोई भी चीज़ हो वो अच्छी होती है, और उसमें टेस्ट भी आता है। तो ये ना सरसों का तेल है, मतलब प्योर असली घर का तेल है ये। तो मैं इसी से पराठे बना रही हूँ, और इससे बहुत अच्छे बनते हैं। और अब बस अब जा सीज़न शुरू हो गया। मुझे पता है गर्मियों में अच्छे नहीं लगते हैं पराठे ना, कभी कभार बना लेती हूँ, वरना मुझे पसंद नहीं है गर्मियों में पराठे खाने। मुझे सर्दियों में ही अच्छे लगते हैं, मतलब गर्म गर्म पराठे खाने ना, मूली आलू के। और आज तो पता नहीं आलू आलू के याद आ रहे थे पराठे खाने को, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, बार बार मुँह से आलू के पराठे ऐसे ही निकल रहा था। शायद मेरी जो अंदर की आत्मा थी, शायद वो पराठे आलू की मांग रही होगी, और मैंने बना दिए मूली के। तो मैंने सोचा मूली के पराठे बना देती हूँ, और बस शुरुआत हो गई आज से मूली के पराठों की। और अच्छा लगता है ना सर्दियों में, कभी गोभी के पराठे, कभी मूली के, और कभी आलू के, ऐसे अच्छा लगता है। और दही के साथ तो और भी मतलब मज़ा आ जाता है मुझे, दही के साथ या लस्सी वगैरह कुछ भी हो, बाकी और कुछ हो या ना हो पराठों के साथ, लेकिन या तो लस्सी या दही कुछ भी हो इन दोनों में से, तब मुझे पूरा मज़ा आता है पराठे उसमें करने में, वरना मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं पराठे। और बस गरम गरम खाने का मन करता है कभी कभी, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मैं अपने हस्बैंड को दे देती हूँ पराठे बना के, और मैं दो दो पराठे अपने लिए बनाती हूँ गरम गरम से, एकदम करारे करारे, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं गरम गरम पराठे। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, या सॉरी देख फिर से आलू के पराठे निकल गया, मूली के पराठे बना रही थी। तो और पता है यहाँ पर ना दोपहर हो गई थी, और पता है धूप भी निकली थी, और इतनी तेज़ बारिश हुई ना, इतनी तेज़ बहुत तेज़ बारिश हुई, और देखिए धूप निकली और बारिश इतनी तेज़ हुई ना, मतलब 15-20 मिनट इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और वैसे तो धूप भी निकल रही थी, और अचानक से आई। और पता है मेरे ना ऊपर छत पर सामान, मतलब कपड़े वगैरह और जो मैंने और भी कुछ सुखा रखा था ना, वो तो मैं तो सोच रही, मैंने कहा धूप निकली, जैसे मैंने बाहर देखा गेट खोल कर, तो मतलब बारिश हो रही, वो भी बहुत तेज़ बारिश हो रही, धूप निकल रही पूरी अच्छे से। तो अभी हो गया है शाम का टाइम। अभी मैं बनाऊंगी चाय। पता है मैं अभी नहा जा रही हूँ, क्योंकि पता है जो बारिश हो रही थी ना, बारिश से इतना ज्यादा गर्म हो गया, मतलब गर्मी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी। तो अभी मैं नहा के आ रही हूँ, मैंने कहा पहले नहा के आऊंगी बाद में चाय बनाऊंगी, क्योंकि अगर लगातार बारिश होती है तब मौसम ठंडा हो जाता है। पता है वो बारिश उसकी से 15 मिनट या 20 मिनट के लिए हुई थी, तो उससे ना और भी ज्यादा गर्मी हो गई। तो अभी मैं नहा के आने के बाद अभी मैं चाय बना रही हूँ शाम की। और वैसे बारिश का मौसम तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई अभी ना, क्योंकि तो वैसे होता है ना अगर बारिश हो जाती तो गर्म हो जाता है, क्योंकि जो ज़मीन होती है ना, ज़मीन में से पूरा मतलब भाप से निकलती है, तो
वो ही होगा। मतलब कमरे में तो इतना गर्म हो रखा, बहुत ज्यादा गर्म हो रखा है। अभी आई पहले तो मैं हलवे को उधर लेके गई थी, तो अभी उसे खिला के ले गई, वो पसीना इतना आ रहा है बहुत ज्यादा। तो अभी हलीम भी नहा रही है और मतलब मेरे हस्बैंड दोनों नहा रहे हूँ हाफ में बाथरूम में। तो अभी मैं नहा रही थी, तो फिर मैं बना रही हूँ चाय। ठीक है।